तो राहुल का भी पीएम बन पाएंगे? बन सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों बनेंगे? यहाँ के नागरिक है, वहाँ पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है अभी। यहाँ सांसद तो जीत जाएंगे अपना सीट आराम से, वायनाड, रायबरेली, दो जगह लड़ रहे हैं। जहाँ मुसलमान है वहाँ वहाँ जीतेगा। तो मतलब वायनाड से जीत जाएंगे? मुसलमान है तो जीतेगा। रायबरेली मैं बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, इसलिए मैं चुनाव में यूपी जाने का मुझको मौका नहीं मिला, लेकिन मेरा लगता है कि हमारे हिंदू लोग क्यों देगा उनको वोट? कारण क्या है? वो तो दिन भर हिंदू को गाली देते हैं। हिंदू तो देता है, कितना वोट देता है? देना नहीं चाहिए। मैं एज हिंदू व्हेन आई थॉट बात करता हूँ तो मेरा लगता है कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा। कोई दिया है उसको समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा क्यों दिया। डेली हिंदू को गाली देते, आपको बोलाता है कि आपका कास्ट क्या है, मुसलमान देखिए। अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो करते, हिंदू मुसलमान हम तो करते, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है? देश में हिंदू मुसलमान का फाउंडेशन में ही देश डिवाइड हुआ और हिंदू मुसलमान का बीच में देयर आर मेनी इश्यूज टू बी रिजॉल्व। जब तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होगा, देश का पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान रहेगा, आप उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। कौन से इश्यूज रिजॉल्व होने हैं? जैसे मथुरा, देयर इज अ इश्यू टू बी रिजॉल्व, काशी इश्यूज टू बी रिजॉल्व, यूनिफॉर्म सिविल कोड इश्यूज टू बी रिजॉल्व, बैकडोर एंट्री टू द ओबीसी लिस्ट इश्यूज टू बी रिजॉल्व। सो मुसलमान और हिंदू समाज का बीच में सौहार्दपूर्ण बात से हो या थ्रो अदर मीन्स, आपको देश का स्थिरता के लिए यू नीड टू रिजॉल्व दिस पेंडिंग इश्यूज। आप मतलब ये कह रहे हैं 400 सीटें लेकर इस बार ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? 400 बोले, 300 बोले, 500 बोले, मैं नहीं जाता। आपने मुझको पूछा आप हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं, मैं आपको जवाब दिया मैं करता हूं। किस लिए? देयर आर पेंडिंग इश्यूज। महात्मा गांधी और जिन्ना का बीच में भी हिंदू मुसलमान का राजनीति हुए थे, दे फॉर्म मुस्लिम लीग। गांधी जी बोला नहीं मैं सेकुलरिज्म करूंगा, आप करें मुस्लिम लीग, बट अल्टीमेटली देश का तो बंटवारा तो हो गया। विपक्ष कहता है आप 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले नहीं आपने। देखिए 15 लाख ने वादा किया था। देखिए विपक्ष को लगते थे कि 15 लाख बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन आवास योजना में कितना रुपया गया? अपना गाँव का रास्ता बनाने में कितना रुपया गया? जल से नल तक कितना रुपया गया? तो मैंने असम में काउंट किया हूं कि मोदी जी ने 15 लाख का बैरियर कब भी क्रॉस कर चुका है, तो योजनाओं से पहुंचा दिया। हाँ हाँ। और 2 करोड़ नौकरी का वादा कहते हैं पूरा नहीं किया। मेरा लगता है देश में तो बहुत ज्यादा नौकरी हो गया है। अगर देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं होते थे, आज तो देश का 25% लोग पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर कैसे आते थे? देश में तो जितना हाईवे चल रहा है, जितना काम चल रहा है, लोग तो नौकरी कर रहे हैं। अगर देश में इकोनॉमी नहीं होते थे, हमारा जीडीपी ऐसे कैसे बढ़ते थे? तो मेरा लगता है कि 2 करोड़ का भी थ्रेशोल्ड हम लोग कभी पार कर चुका हूं। खाली मुद्रा लोन ही 37-40 लाख लोगों को मिला है, खाली मुद्रा लोन ही। असम में ही मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हूं। अगर हर बीजेपी प्रदेश से 5-5 लाख आप ऐड करें तो यह सब बहस क्या होता है, भगा भगा करता है अपोजिशन। मतलब व्हेन मी एंड समबडी सीट्स, तब वो लोग मुद्दा नहीं उठाता है, आरोप लगा के भाग जाना। दे रेज दोज इश्यू बिहाइंड आवर बैक, लोकसभा में नहीं उठाता है। वो कहते हैं जैसे नोटबंदी पर भी आप नहीं बोलते। नहीं, नोटबंदी तो अच्छा चीज था, उसमें बोलना क्या था? वी टेक प्राइड ऑफ दैट एंड हमने सुना जीत क्या है नोटबंदी का बात करके। हमने नोटबंदी को मुद्दा बनाते हुए वी ओन यूपी इलेक्शन।